उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मां की ममता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ में बुधवार को एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे और बेटी की हत्या कर दी। दोनों ने पहले तो बच्चों के हाथ पैर बांध दिए और उन्हें बेड के बॉक्स में बंद कर दिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें बाहर निकाल कर नशीले इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर प्रेमी ने शव को कार की डिक्की में बंद कर 25 किलोमीटर दूर गंगा नहर में फेंक दिया। इसके बाद खूनी मां ने अपने पति के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। इस दौरान पत्नी अपने बयान बार बार बदलती रही। इस पर पुलिस को उन पर शक हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद महिला, प्रेमी और इन सब को मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने आपसे बताया कि सऊद और बच्चों की मां के संबंध है। सऊद का इंटरेस्ट ये था कि ये दोनों बच्चे अगर खत्म हो जाएंगे तो वो कल या बाद में इनकी मां के साथ निकाह कर सकता है या उसको पति से अलग करके अपने साथ रख सकता है। उसको इस तरह की विश्वास था कि अगर हम इस तरीके से कुर्बानी देंगे तो हमारी जो सिद्धि है या हमारे पास जो डिवाइन पावर है उसके पास, वो मेंटेन रहेगी और स्ट्रांग होगी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।